फ्रेंड्स गाड़ी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। शमाइला यूनिक व्लॉग में आप सबको वेलकम। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो न्यू लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, तो मेरी वीडियो को भी फुल वॉच करें, फिर ही पता चलेगा कि आज मैं इतनी हैप्पी क्यों हूँ। क्योंकि आपको पता है कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कुछ तैयारियाँ की थी, कुछ सफाइयाँ की थी कि कोई आ रहा है, तो फिर वो मेरी अम्मी आ रही हैं। तो आज जी अभी मैंने नाश्ता बनाया, देखे ज़रा कितनी देर बाद आ रही हैं। हाँ, कराची में तो मुझे लग एक साल के बाद आई हैं। एक साल, इसलिए हाँ। इतनी हैप्पी लग रही हो। तो एक साल के बाद आई हैं, 10 तारीख को हो जाएगा मेरी अम्मी को। ये क्या है? साल वहाँ जानी भी एक तो सही 15 रुपये का अंडा आए थे, जैसा कोई होता 7 रुपये का आवे। अब एक हो जी अंडे का, कोई कोई टिक्की है, टिक्की नहीं ऐसा थे, तोते का अंडा है, कबूतर का। तो ये जी आलू का सालन था, और ये पराठे, और ये पराठे, और पराठे जरा दिखाओ जानी, पराठे देखो जरा कितने क्रिस्पी हैं। तो जो चाहते हैं कि ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे मैं आपको बनाना सिखाऊं अलग अलग तरीकों के, तो भी ज़रूर कमेंट में बताएं। तो आज आपका आज का जो व्लॉग है आपने मिस नहीं करना। आज मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी को रिसीव करने के लिए स्टेशन पे, तो वहाँ का सारा मंजर दिखाएंगे, और इतने दिनों के बाद जब मिलूँगी अम्मी के साथ, वो भी आपके साथ, पता है आपको कैसा मेरा वो क्या कहते हैं यानी रिएक्शन, तो वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। काम अब मैंने सारा कर लिया है, अभी मैं तैयार हो गई हूँ, और ज़रूर बताना रेड कलर का सूट और लिपस्टिक आपको कैसी लग रही है। तो आज हैप्पी भी बहुत हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन पे, तो गाड़ी तो सुना लेट है, अगर लेट होगी तो फिर पहले चाचू के घर चली जाऊँगी, फिर वहाँ से ही स्टेशन पे जाऊँगी। तो जहाँ भी जाऊँगी आपको साथ ही रखूँगी, आपको दिखाती रहूँगी। तो चलें जी अभी दिखाती हूँ आपको जो कल मैंने काम किया था थोड़ा सा, वो कहाँ तक पहुँचा और कहाँ सूख गया या नहीं, वो भी दिखाती हूँ। मैंने सिमर लगाया था ना रात को, तो ज़्यादा तो नहीं साफ़ लगा, लेकिन थोड़ा सही हो गया, नहीं तो वेपर भी नहीं लगता था। यहाँ पे इतने ज़्यादा खड्डे थे। और किचन की तरफ दिखाती हूँ, ये देखें ये बर्तनों वाला छानना पड़ा है ना, तो सारे बर्तनों के ऊपर भी मिट्टी आती थी, अब देखें ज़रा मज़बूत हो गया शुक्र है। ये देखें हाथों को भी नहीं मिट्टी लगती, अब रोटियाँ भी अच्छे से मिल जाए, साफ साफ हो गया सारा। और यह है जी जो मदर इन लॉ का छोटा सा बेड है, तो ये दीवार भी मैंने की थी, अब ये देखें और ये देखें, आपने ज़रूर बताना है कि ये सही लग रही है या ये सही लग रही है। मैं सोच रही हूँ कि अगर ये सही होगी, थोड़ी मज़बूत मट्टी नहीं नीचे आ रही बेड के ऊपर, तो फिर यहाँ का भी थोड़ा सा जो सीमेंट है यहाँ पे भी किसी दिन लगा दूँगी। हम लोग कैंट स्टेशन पर आ गए हैं, ये देखें बच्चे आ गए हैं हमारे साथ, आओ ली जा जाना, आप क्यों रुक गए हो? तो चलें जी अभी गाड़ी तो आने वाली है। ये देखिए ये है जानी, बच्चे भी आए हमारे साथ, धूप में। तो अभी हम आ गए हैं स्टेशन पे, तो अभी गाड़ी तो नहीं आई, जैसे गाड़ी आएगी फिर आपको दिखाएंगे कि फाइनली आज हम भी आ गई है, गाड़ी आ गई है, बस दिखाती हूँ। फ्रेंड्स गाड़ी आ गई है, वो देखिए बस गाड़ी आ गई, फिक्स टाइम पे हम लोग भी पहुंच गए हैं। देखिए काफ़ी रश है, शुक्र है खुदा का, तो बस कैरियर से जो पहुंच गए हैं। गाड़ी रुक गई है, 4 नंबर बोगी है डब्बा, तो हम लोग जा रहे हैं बस 4 नंबर की तरफ, कि हम लोग पीछे थोड़ा खड़े थे इस वजह से अभी आगे की तरफ जा रहे हैं। तो रश देखें ज़रा, क्या जान बाबू क्या, चलो आ जाओ देख के जानी, वो देखो आगे है तलेन, ये तलेन है। तो ये रहा जी 4 नंबर डब्बा, अभी देखते हैं कि अम्मी कहाँ हैं। आदिल भाई लोग तो अभी नहीं पहुँचे, तो गाड़ी काफ़ी लेट आई है, तो बता दूंगी जी अम्मी किस मकसद के लिए आई हैं कराची में, वो मुझे लेने आई हैं या किसी और को लेने आई हैं या किस मकसद के लिए आई हैं, तो वो भी सब आपको दिखा देंगे। अलीना हाय करो, मिली अभी जानी मिल रहे हैं,
और ये रहा अम्बी का सामान। 9 बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं। थक गए हो अलीना, थक गए हो? और ये रही मेरी अम्मी आ गई हैं, शुक्र है खुदा के सही सही पहुँच गई हैं ये। और देखे काफ़ी रश है यहाँ पे, स्टाइला जो है ये ड्यूटी से इधर आ गई है अम्मी को मिलने के लिए, रिसीव करने के लिए। आदिल भाई अभी तक नहीं पहुँचे, ये मुझे तो लग रहा वो नहीं खड़ा, नहीं वो चश्मे वाला है कोई। बच्चे भी आए हैं हमारे साथ, आदिल भाई का वेट हो रहा है, वो आ जाए तो फिर हम लोग भी निकलते हैं घर की तरफ। तो ज़रूर बताऊँगी कि अम्मी किस मकसद के लिए आई हैं कराची में, मिलने के लिए आई हैं या किसी को लेने के लिए आई हैं या कोई और काम है। तो चलें जी अभी चलते हैं आनो को और एलिया को गाड़ी दिखाने के लिए, क्योंकि बच्चे हैं आपको पता है इनको बहुत शौक है, लेकिन जब कोई शादी होगी फिर इनको लेके जाएंगे पंजाब और फिर दिखाएंगे। चलो भाई, मैं तो इधर हूँ, ये गाड़ी चल ना जाए, मज़ा आ रहा है। हेलो गाइस तो बोल दो, हेलो गाइस करो। इसकी हरकतें, चलो चूल्हा ले वो, ट्रेन रुक गई है पर इनके मस्तियां शुरू। भाई भी आ गए हैं, अभी रश देखें ज़रा। एक रिक्शा करवा ली है अभी घर जाने के लिए, सामान रख रहे हैं अभी। मैं जानी और आदिल भाई तो दोनों बाइक पे चले जाएंगे, दोनों बाइक पे। और देखिए ज़रा, और ये रहा कैंट स्टेशन कराची। तो चलें जी अभी घर जाके मिलते हैं आपसे। तो चलें जी हम स्टेशन से तो अम्मी को लेके घर आ गए हैं। तो अभी देखें, ये बनाई है सिस्टर ने चिकन बिरयानी, बड़ी मज़े की मसालेदार। और ये देखें ये अम्मी बैठी है, अम्मी कर रही है वापस पंजाब फोन। अबू उदास हो गया, अबू अम्मी को बोलते हैं कुमनी, तो कुमनी अब इधर आ गई है कराची में। तो यहाँ पे भी हम लोगों को बस आज ही नजर आएगी, बाद में नजर नहीं आएगी। देखना आपने भी, चलो वीडियो तो मैं रोज अपलोड करती हूँ, तो आप भी देख लीजिएगा कि अम्मी कब मिलती है कब नहीं मिलती, क्योंकि अम्मी के सारे जो भाई बहन सारे वो इधर ही रहते हैं, तो अम्मी उनसे भी मिलेगी। तो अभी लेती हूँ आपसे इजाजत, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।